हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये ईद स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है और ये मैंने येलो आउटफिट के साथ क्रिएट किया है फ्रेंड्स मेकअप लुक। और यहाँ पे मैंने येलो आई शेड अप्लाई किया है और विंग लाइनर भी मैंने अप्लाई किया है। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बतानी है कि यहाँ पे मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया है। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर लिया है और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा रोज ग्लो टोनर है, मेकअप से पहले आप इसको जरूर अप्लाई करें। और यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सीरम लिया है और ये आपके फेस को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत अच्छा ब्राइट करता है आपके स्किन को। और इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। और आप देख सकते हैं इसको लगा के मेरा कितना ग्लो कर रहा है फेस। तो यहाँ पर मैंने ये आईब्रो पाउडर लिया है और उसको अपने छोटे से ब्रश की एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये डार्क ब्राउन शेड लिया है और अब एक स्पूली की हेल्प से उसको एक अपने हेयर्स को सेट कर लूँगी, आईब्रोज के हेयर्स को। और यहाँ पे मैंने दोनों आईब्रोज को सेट कर लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने स्पूली अप्लाई की है दोबारा से अपने आईब्रोज के हेयर को सेट करने के लिए और ये मेरी आईब्रो रेडी हैं। और यहाँ पे मैंने ये एलए प्रो कंसीलर लिया है, सॉरी करेक्टर लिया है, ये ऑरेंज करेक्टर है और ये मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं तो उसको हाइड कर देता है ये बहुत अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर ये NYB का कंसीलर लिया है और उसको मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूँगी, अपनी आईज के ऊपर पूरा फिल करूँगी उसको, अपनी आईब्रोज को क्लीन करके पूरी अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर देना है मुझे इसको। और मैं अंडर आईज पर भी अप्लाई करूँगी थोड़ा सा और एक ब्रश लेकर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है अपनी आईज पर। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है दोनों आईज को। यहाँ पर आप फ्रेंड्स अपना बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करें, ब्लेंड करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 40 कॉम्पैक्ट लिया है और उसको अपने ब्रश की हेल्प से अपने आईज के ऊपर सेट कर लूँगी अपनी आईज को, जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। और अपनी आईब्रोज को भी सेट करना है आपको, क्लीन करना है और यहाँ पे अच्छे से सेट कर देना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैट हो गई है मेरी आईज। और अब मैं इसके ऊपर आई शेड अप्लाई करूँगी तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने द जैकलिन हिल की पैलेट ली है मॉर्फे की और इससे मैंने ये ट्रांजिशन शेड लिया है और अपने ब्रश की हेल्प से मैं अपनी कट क्रीज के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अब मैं यहाँ पर ये ऑरेंज टाइप शेड है थोड़ा सा उसको लूँगी और अपनी कट क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और अच्छे से आपको ब्लेंड कर देना है उसको। ब्लेंडिंग ही बहुत ज़रूरी होती है आपके आई शेड्स के लिए। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है मेरी आईज पर। आपको यही शेड अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लिया है और उसको भी मैं अपनी आईज के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और अपनी पूरी कट क्रीज पर थोड़ा सा हल्का सा अप्लाई करती रहूँ करके ब्लेंड कर दूंगी। और यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा सा डिजायर कलर बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये NYB का कंसीलर लिया है और उससे मैं अपनी आईज को कट क्रीज करूँगी। और यहाँ पर मैंने पूरी अपनी आईलिड के ऊपर इसको कट क्रीज कर देना है, एक बहुत ही अच्छी सी प्रिसाइज सी शेप बना लेनी है अपनी आईज के ऊपर। मैंने पूरी आईज पर अप्लाई किया है ये कंसीलर
और अब मैं यहाँ पर एक ब्रश लूंगी और ब्रश की हेल्प से उसको जो मैंने फाउंडेशन सॉरी कंसीलर अप्लाई किया था उसको टैप टैप करके सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने हिलारी रोटा की ये पैलेट ली है, आई शेडो पैलेट है, और ये मैंने यहाँ से ये येलो शेड लेकर अपनी पूरी अपनी लिड पर आई लिड पर अप्लाई कर ली है एक छोटे से ब्रश की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लिटरी शेड भी लिया है येलो, तो मैंने उसको भी अप्लाई करा है अपनी आईज़ के ऊपर। और मैंने फिर दोबारा से एक ब्राउन शेड लिया है, उसको अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर दूंगी। स्मज करना है आपको बहुत अच्छे से ताकि आपका कोई भी शेड बहुत हार्श लाइन ना नज़र आए आपके शेड की, पैची ना लगे आपका शेड। और यहाँ पर मैंने दूसरी आईज़ को भी फिल कर दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, और मैंने अपने दोनों आईज़ को अच्छे से फिल कर दिया है। और आपको ब्लेंड करना है, यहाँ पे मैंने ये ब्लेंड कर दिया है। मैंने स्विस ब्यूटी का लाइनर लिया है और मैं यहाँ पर एक विंग्ड अप्लाई करूँगी, बहुत ही अच्छा प्रिसाइज सा विंग लाइनर है, लाइनर अप्लाई करूँगी। और मैंने दूसरे आईज़ पर भी अप्लाई कर देना है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप आराम से बना लें। और यहाँ पे आपको एक विंग ऊपर से बनाना है और फिर अपनी पूरी आईज पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो मैंने अपने आईज पर कॉर्नर बनाया सॉरी विंग बनाया है उसको मैं अच्छे से फिल करूंगी। और आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा विंग अप्लाई हुआ है। ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है। ये मैंने दोनों आईज पर अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ये मालियों का मस्कारा लिया है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, और आप इसको अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा ट्राई करें आप, बहुत अच्छा मस्कारा है ये। और ये मैंने अपनी अपर लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे आपको अपनी अपर लैशेस के ऊपर अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे नीचे नहीं अप्लाई किया है अभी। अब ये मैंने NYB का प्राइमर लिया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस है। और ये मैं एक डॉट लेती हूँ और ये मेरे पूरे फेस पर अप्लाई हो जाता है, बहुत ही स्किन आपकी सॉफ्ट कर देता है, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये MN सेकंड जनरेशन ड्यूअल फाउंडेशन लिया है, ये बहुत बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ में आता है, आपको मिल जाएगा आपकी लोकल मार्केट से अगर आप देखेंगे तो। और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है आपको। आप कहीं मैरिज में जा रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ईद पर ही इसको अप्लाई करें। और यहाँ पे मैंने एक अपने ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है अपनी नेक के ऊपर भी, और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर मुझे अपने नेक पर अप्लाई कर रही हूँ मैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने कितना अच्छा कवरेज दिया है, आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंसीलर करेक्टर वगैरह। और ये बहुत अच्छे से आपकी पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। और यहाँ पे मैंने ये ब्लैक शेड लिया है और ये मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी एक एंगल ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हल्का सा ब्राउन शेड लिया था उसको भी मैं यहीं पर अप्लाई कर दूंगी अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर जहाँ पर मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया था, और दोनों को स्मज कर दूंगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने NYB का काजल लिया है और इसको अपनी पूरी वाटर लाइन पर अप्लाई कर दिया है। और फ्रेंड्स ये काजल बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत एकदम पिगमेंटेड काजल है और बिल्कुल ब्लैक है, NYB का काजल है, purple.com से मिल जाएगा आपको अगर आप ये मंगाना चाहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा काजल है, आप इसको ट्राई करके देखिए, और स्मज प्रूफ है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर लोअर लैशेस पर मस्कारा अप्लाई कर दिया है, मैंने अप्लाई नहीं किया था मस्कारा लोअर लैशेस पर, और यहाँ पर मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैंने यहाँ पर कंटूर किया कर रही हूँ
और ये मैंने छोटे से ब्रश से एक अपनी आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड लिया है। आपको ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स कि आप अलग से कुछ कॉन्टोर के लिए लें, आपके पास जो भी आपकी आई शेड में कोई अच्छा डार्क ब्राउन शेड है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नोज़ पर कॉन्टोरिंग कर ली है और अब मैंने ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट लिया है और उसको मैं अपने फेस पर सेट कर दूंगी अच्छे से, और जहाँ पर मैंने कंटूर किया है उसको भी लाइंस को अच्छे से सेट करूंगी और नोज़ पर भी मैं अप्लाई कर दूंगी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये मैंने कॉम्पैक्ट है ये फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, बहुत बेस्ट कॉम्पैक्ट है और समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने ये इन कलर का इंस्टेंट ग्लो वाला ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट लिया है और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, आप इसको यूज़ करिए, बहुत आपको 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा ये, 100-150 आराम से मिल जाएगा आपको ये। और ये देखिए कितना अच्छा पिगमेंटेड ब्लशर है और ये बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने ये मार्स की लिपस्टिक ली है और ये भी बुलेट लिपस्टिक है, मॉइस्चराइज कर देती है आपकी लिप्स को, बहुत अच्छी लिपस्टिक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी और ये शेड बहुत अच्छा शेड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये थोड़ा सा रेड शेड नज़र आ रहा है लेकिन ये रेड नहीं है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप है शेड, ये बिल्कुल रेड नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये अपनी लैशेज अप्लाई कर दी है, फॉल्स लैशेज अप्लाई किए हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और अच्छे से मैंने इसको दोनों आईज पर अप्लाई कर दी है। और यहाँ पे मैंने ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है और उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। और ये मैंने सेट कर लिया है फ्रेंड्स और ये देख सकते हैं मेरा मेकअप कंप्लीट है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये फाइनल लुक अच्छा लग रहा है और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और ये वाला मेरा मेकअप लुक कैसा लगा है, तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।